हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आप लोग के लिए क्रैक्स कोर्स का चौथा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर टू का सेकेंड पार्ट। चैप्टर टू का हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोग पार्ट वन ऑलरेडी देख चुके हैं और आज जो देखेंगे इसी का पार्ट टू देखेंगे, क्लियर। और काफी इंपॉर्टेंट होने वाले जो कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा। और ऐड करने का जो प्रोसेस है, मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वीडियो, उसको देख लीजिएगा किस प्रकार से हम लोग ऐड हो सकते हैं। और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप जरूर ही हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें हम आपको जो क्वेश्चन देने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कैसे ले सकते हैं पीडीएफ उनका, वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना हुआ, उसको आप देख के समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग वीडियो पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x²-ax+5 के शून्यंक 7, तो a का मान क्या है? शून्यंकों का योग 7 है तो a का मान क्या होगा? देखिए, जैसे कि हम आपको बताए थे शून्यंकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा है, शून्यंकों का योग -b/a होता है, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो हम लोग को अल्फा और बीटा हम लोग को कितना दिया है? 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 लिख देना है। -b/a यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको बोलते हैं a, और इसको कहते हैं बी। बी कितना दिया? माइनस है। और इसको कहते हैं सी। सी कितना दिया? 5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और ये दिया हम लोग को 7, और बी हम लोग को क्या दिया? -a। -a लिखना है, और a कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1। ये a है कितना मेरा? 1। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा 7 -a = 7 × 1, तो -a = कितना हो गया? 7। तो सिर्फ a निकालना, तो a = क्या हो जाएगा? -7। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कितना आ गया? -7। तो यहाँ पे आंसर दिया है -7, कोई भी नहीं दिया है, इसलिए आप इनको टिक कर सकते हैं। थ्री नंबर इसका आंसर सही होगा। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस तो दिया नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि बोलता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x²+x-2 के शून्यंक हो, तो 1/α+1/β का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/α+1/β का मान हम लोग को निकालना है। तो सिंपल से आपको क्या करनी है कि आपको पता है 1/α+1/β, हाँ। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा व बीटा, तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बीटा प्लस अल्फा, या फिर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यंकों का योग इंटू शून्यंकों का गुणनफल। तो आपको पता है शून्यंकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? c/a। तो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना? 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा a, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया b, और c हो गया मेरा 2, c मेरा हो गया 2, ठीक है। तो -a -b/a, b क्या है मेरा? 1 है, तो 1 लिख दीजिए, और a क्या है मेरा? 1 है, 1 लिख देना है। -1/1 = क्या होगा? -1 आ जाएगा, और c कितना हो गया मेरा? यहाँ पे -2 दिया है, तो -2 लिख देना, और a कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? -2। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -1, तो यहाँ पे पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -2, यहाँ पे पुट कर दिया -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा? 1/2। तो आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 1/2, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 1/2। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था, और अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/α+1/β कितना हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 1 नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि मेरा यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के
किस शून्यांक हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या ज्ञात कीजिए। फिर भी हम आपको भी जस्ट बताए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको हम लोग एलसीएम करके सॉल्व कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस क्या होगा अल्फा आएगा। ठीक है, अगर इस तरह का दिया रहेगा तो समझ जाइए कि यहाँ पे ये दिया हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अब यहाँ पे देख सकते इसका शून्यांक कितना 1, इसका गुणन इसका क्या है गुणांक 1 है, तो ये ए बराबर क्या हो गया 1 आ गया, और बी बराबर कितना हो गया 1 आ गया, और सी बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बाय माइनस बी बाय ए होता है। तो अब देख सकते हैं माइनस बी कितना दिया है 1 दिया है, तो माइनस बी, और ए कितना दिया 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना क्या होता है सी बाय ए, सी कितना दिया 1, तो 1 लिखना, ए कितना दिया 1, तो कितना आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 बाय 1 इक्वल टू क्या 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए सही हो जाएगा। फिर से हम इसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एकदम मान लेना अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, जब इस तरह का दिया क्वेश्चन तो आप इतना मान लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए क्या हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाय ए, ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा बी माइनस बी बाय सी। तो आप याद रखेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाय सी, मतलब कि ये वाला अगर दिया रहेगा फॉर्मूला तो माइनस बी बाय सी एकदम शॉर्ट में याद रखेगा। तो माइनस बी, बी कितना है 2 है, तो आ जाएगा माइनस 2, और सी कितना सी कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ये आप याद रखना है, बस इतना ही शॉर्ट में रखिएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय सी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, तो एकदम शॉर्ट में बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा प्लस बीटा फिर दिए ये दिया है ना, तो आपको क्या करना 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हम आपको बताए थे क्या होगा माइनस बी बाय सी। बी कितना दिया है ये वाला बी है, बी इक्वल टू माइनस 3 दिया है, और सी इक्वल टू कितना दिया 5, तो यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ, और माइनस बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5, तो 3 बाय 5 इजी हो गया, तो 3 बाय 5 यहाँ पे दिया, ऑप्शन कितना ए नंबर, ए नंबर मेरा क्या होगा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा दिया है, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे आपको पता है कि अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए आप ये इसका वैल्यू निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, आई मीन इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये बटे क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए अब आपको पता है यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू माइनस 3 हो गया, और सी इक्वल टू 5। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए हो गया, तो माइनस बी, बी कितना है मेरा माइनस 3, तो माइनस 3 और ऑलरेडी पहले से वो माइनस था, और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 हो गया,
अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा कितना? 5 होगा, क्योंकि सी बाय ए होता है, तो 5 बाय 1 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 3। तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 5। यहाँ पे 5 कर दीजिए, और फिर नीचे भी 5 कर दीजिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और यहाँ पे 5 दूना 10 बटे 5, 9 में 10 जाएगा तो 1/5 माइनस 1/5, आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट फार्मूला अगर निकालना चाहते हैं तो ई निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटे अल्फा बीटा माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? अभी चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा, ये ए हो गया मेरा और ये हो गया बी, बी इक्वल टू माइनस 1 और सी इक्वल टू 4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, बी क्या है? माइनस 1 और ए कितना है? 1। तो माइनस माइनस 1, 1 बाय 1, 1 इक्वल टू कितना गया? 1। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है? माइनस 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी कितना है? माइनस 2 और ए कितना है? 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद पी ऑफ एक्स 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यंक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या वैल्यू होता है? तो हम आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ पे आप माइनस बी बाय ए लिख सकते हैं। दूसरा आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। फिर हम आपको बताया था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये हम लोग इसका जो पहला पार्ट है उसमें बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग को दिया है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7। ये वाला हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। हम लोग को निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस डी बाय ए निकालना है। तो डी कितना दिया है? 7। तो माइनस 7 और ए कितना दिया है यहाँ पे? 4। तो 4, तो माइनस 7 में 4 आंसर कौन सा मैं? 1 में। तो मेरा 1 नंबर क्या हुआ? आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं उनको। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे 31 में कह रहा है कि यदि बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यंक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा और गामा, तो फिर आपको क्या करना है? डी बाय माइनस डी बाय ए लेना है। क्या लेना है? माइनस डी बाय ए। तो यहाँ पे डी क्या हो गया? माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस 2 और ए क्या हो गया मेरा? 2। तो यहाँ पे 2 कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाय 2 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। फिर यहाँ पे बोलता है एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल कितना? इतना है। तो एक द्विघात सूत्र निकालना है। तो आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो उसका जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे के कोई भी नंबर अगर मल्टीपल होगा तो उसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया मेरा क्या? द्विघाती सूत्र का। यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिया होगा वो सही हो जाएगा, तो 4th नंबर आंसर है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको। अब चलिए हम लोग अगले आते हैं क्वेश्चन पे जो 33 नंबर है। फिर यहाँ पे वही द्विघाती सूत्र से निकालना है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आप लोग को 6 और अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस 2। फिर हम फॉर्मूला लिखते ताकि याद हो जाए आपको, अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -2, ये आंसर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हम लोग का सी का वैल्यू है ना वो निकालना है, तो सी का वैल्यू अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे 6 देख रहे हैं, बी का वैल्यू बी बी मेरा यहाँ पे 6 दिख रहा है और सी मेरा क्या है 2 है, तो -6 और -2 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कहाँ पे -6 और -2 किस में आएगा, इसमें देखिए अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो 2 से -2 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो क्या होगा -6, यहाँ पे देख सकते हैं 6 -2 और 6 का वैल्यू आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 नंबर। तो हमारा जो 33 नंबर का क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही। अब आते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का अगर क्वेश्चन देखा जाए, बोलते यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के ए बी मतलब शून्य है, तो ए और इंटू बी का वैल्यू निकालना है, मतलब कि यहाँ पे ए कर लू कितना हो गया 1, बी कर लू क्या हो गया -2 और सी कर लू 5 हो गया। तो यहाँ ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, सी मेरा कितना गया 5 और ए कितना है 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इरेज करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहता है एक्स स्क्वायर -3x -4 और तो पी ऑफ एक्स के शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर -3x -4 इसमें से किसी का वैल्यू पुट करके आप देखें जो इसको जीरो बना देता है तो वो इसका क्या होगा शून्य हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन 4 जीरो नहीं होगा, तो जीरो तो होगा ही नहीं। अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, तो ये हो जाएगा 4 -6 -4, तो 4 4 कट जाएगा लेकिन बच जाएगा क्या 6, तो ये भी नहीं होगा। 3 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 3 जगह क्या होगा 3 का स्क्वायर करेंगे -3 × 3 -4, 9 -9 ये तो कट के 0 हो जाएगा लेकिन फिर भी -4 बच जाएगा। अगर हम लोग 4 पुट करें तो हो सकता है 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, चरतिया चरचो 16 चरतिया 12 -4 तो 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -16 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 पुट करने के बाद क्या होगा इस वैल्यू इसको 0 कर दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा शून्यंक होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया, इसके शून्यकों का गुणनफल हम लोग को कितना दिया है 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू सी बाय ए माइनस प्लस माइनस, मतलब कि यहाँ पे माइनस सी बाय ए होगा, और यहाँ इसका वैल्यू हम लोग को दिया है 4 और यहाँ पे सी हम लोग को कितना दिया है ये होगा 7, क्योंकि ए हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी, सी हम लोग को कितना दिया है 4 इक्वल टू यहाँ पे सी हम लोग को दिया है 7 और ए कितना दिया है हम लोगों को k, तो 7/k, तो अगर हम लोगों को सिर्फ k निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k इक्वल टू क्या होगा 7/4, तो आंसर यहाँ पे 7/4 कही दिया हुआ है ऑप्शन में, 7/4 ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर का आंसर जो होगा कट भी नहीं सकता है, यहाँ पे -d/a होता है इसका शायद ना, हाँ -d/a होता है, यहाँ पे गलती कर दिया, -d/a होगा और d मेरा कितना है 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा 6/4 -6/4 एक कट जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं -3/2 कही दिया है नहीं, लेकिन यहाँ पे 3/2 दिया है, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला 37 नंबर कहता है 7x² - 5x + 1 के लिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/c/a, सिर्फ होगा c/a,
क्योंकि ये एक द्विघात सूत्र है, इसलिए द्विघाती सूत्र में सी बाय ए होता है अल्फा इन टू बीटा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सी हमारा कितना है 1, तो 1 लिख देना, और ए मेरा कितना है 7, तो 7 लिख देना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 3 सही होगा। अब बोलता है एक्स क्यू प्लस 1 में जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी ऑफ एक्स जी एक्स घात क्या, घात कितना होगा, पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का घात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है, भाग देने पर। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग भाग भाग दे के देखते हैं। जैसे कि एक्स प्लस 1 से भाग देंगे एक्स क्यू प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये माइनस हो, ये कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो माइनस एक्स से करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे घात कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 38 का ए एक नंबर हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं 38 का एक नंबर 2 इसका घात हो जाएगा। देख सकते हैं पावर अधिकतम इसका जी ऑफ एक्स का जो निकला कितना घात निकला, भाग देने पर 2 निकला, ठीक है, अधिकतम घात कितना है 2, तो इसलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक है -2 और -5। द्विघात बहुपद के शून्य शून्य कितना है -2, मतलब अल्फा इक्वल टू दिया -2 और इसको इरेज कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 दिया है और बीटा इक्वल टू -5 दिया मान लिया। तो इसका शून्य इतना दिया है तो इसमें कौन सा द्विघात होगा, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे -2 -5 कितना हो जाएगा -7, और अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा 10। आपको पता है द्विघाती सूत्र से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -7, तो -7x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा 10। तो अब देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये है, ये रहा, और तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सेकेंड नंबर। अब आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी के किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः से इतना दिया है, आई मीन हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -1/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -3। तो इसमें हम लोग को निकाल बहुपद क्या है, इनमें से कौन सा बहुपद होगा ये हम लोग को बताना है। तो अब फिर फार्मूला का यूज कीजिएगा ये वाला, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1/2 एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या -3। तो यहाँ पे अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स और यहाँ पे -3 था इसलिए यहाँ पे -3 कर देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 एक्स और माइनस होना चाहिए लास्ट में, तो ये 3 नंबर आंसर में, ये इसके बराबर कौन सा है 3 नंबर, तो 3 मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उनको देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, कहा जाता है रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी, ए एक्स नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं है, तो संगत वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का आलेख कैसा होता है। जब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये हमारा जो आलेख बनाएगा एक बोल सकते हैं सरल रेखा में रहेगा, क्या होगा सरल रेखा, इसके लिए हमेशा सरल रेखा ही बनता है, ये एक बोल सकते हैं सरल रेखा इसका ग्राफ होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा तो उसका हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला बनाएगा, इस तरह का यू आकार का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब आता है एक द्विघात बहुपद के संगत का आलेख कैसा होता है, द्विघात द्विघात का बोले ना, द्विघात का जब रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा परवलय होगा, मतलब कि यू आकार का, ऐसे एक्स वाई रहेगा तो ऐसे यू आकार का बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। तो इसका हम लोग देखे भी थे जो डीपली जो पढ़े होंगे टेंथ में, उसमें हम लोग ग्राफ के बारे में भी समझाए थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस पे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघाती बहुपद के संगत काल एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है, द्विघात अगर द्विघात है तो एक्स अक्ष पे कितना कितने बिंदु पे काटेगा। तो जब हमारा द्विघात है इसलिए ये 2 बिंदुओं पे काटेगा, और त्रिघात रहेगा तो 3 बिंदुओं पे काटेगा।
अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y इक्वल टू 2x प्लस 3 के आलेख पर स्थित है। तो यहाँ पे ऐसा पुट कीजिए जो कि यहाँ पे जितना वैल्यू x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो इक्वल आएगा उसी को देखेंगे। जैसे कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होगा। अगर इसमें पुटें y इक्वल टू 2 तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू भी 2 है माइनस 3, दो दोनों 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा करते हैं, इसमें पुट करते हैं 4 बराबर 2 सॉरी एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब क्या करना है, एक्स बराबर 4 पुट करना, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 एक्स के बराबर क्या हो 4 माइनस 3, तो 1 8 में 3 जाएगा कितना का 5। ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये है हमारा एक्स, ये हो गया वाई। फिर इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना है 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 4 6 माइनस 3, तो 4 इक्वल नॉट इक्वल टू क्योंकि 3 आ गया। अब ये वाला ऑप्शन को पुट करते हैं, y इक्वल टू 7 है और 2 इंटू एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 7 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 इक्वल टू 7, आई मीन ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। तो ये मेरा 44 का आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उनको देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के आलेख पर स्थित होगा। फिर यहाँ पे देखना है x और y का वैल्यू पुट करेंगे, जो इसके इक्वल आ जाएगा तो वही सही हो जाएगा। जैसे कि पहला नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, y का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 2, मतलब 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बोलता है द्विघात बहुपद संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोण असत है। द्विघात बहुपद के लिए यह आलेख एक्स एक्स पर अधिकतम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये तो सही है। यह आलेख एक्स एक्स को जिन बिंदुओं पर काटता उनके एक्स एक्स के निर्देशांक बहुपद के शून्य होगा, यह भी सही है। यह आलेख एक्स एक्स को अवश्य ही काटेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हम लोग को बोल रहा है कि एक्स एक्स को अवश्य ही काटेगा, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्स को द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है यह आलेख एक्स एक्स को अवश्य ही काटेगा, ये वाला संभव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 3 सही होगा क्योंकि ये असत्य है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्स को काटेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो शून्य से भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपका आता है, निम्नलिखित में प्यू ऑफ एक्स के आलेख किस बहुपद के शून्य माइनस 4 और 7 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 4 और 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक्स एक्स को कट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स को भी कट कर रहा है, लेकिन पी ऑफ एक्स के जो शून्यांक हो गए माइनस 4 और 7 दिया, एक्स एक्स के बोल रहे हैं, तो एक्स एक्स का वाला ये होगा दो बिंदु पर कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे देख सकते हैं अगला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है सेकेंड पार्ट जो चैप्टर 2 का है। तो आप देखिए वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और आपके कितने समझ में आया वो जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, वो हम आपको बताएं लास्ट में बताएंगे कौन सा इससे इम्पोर्टेंट आएगा, लेकिन अभी एक महीने में जो हम सिलेबस दे रहे हैं इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।